हमने अब तक एयर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। पर ये ऑक्सीजन एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, एक्वाटिक एनिमल को कैसे प्राप्त होती है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे यूज करते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। अगर हम एक बर्तन में पानी को गर्म करके देखें तो हम समझ पाएंगे कि एक्वाटिक एनिमल कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखें और जब पानी गर्म होना शुरू हो जाए, मतलब जो बर्तन गर्म होगा तो वो अपनी हीट पानी को देगा, ट्रांसफर करेगा, और जब वो अपनी हीट पानी को ट्रांसफर करता है तो बॉटम में, तली में कुछ बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये बॉटम में ये जो बबल बनते हैं ये एयर से आए हैं, यानी एयर के कारण ही एयर मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण ही ये बबल बन रहे हैं। तो वाटर में डिजोल्व हो गए हैं, मीन्स ऑक्सीजन है जो वाटर में डिजोल्व हो गई है, और जब हम पानी को और गर्म करते हैं तो वो बॉयल होने लगता है, मीन्स पानी में जो एयर है वो पलायन या निस्तार मीन्स एस्केप करती है, और लगातार हीटिंग से ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि एक्वाटिक एनिमल डिजोल्व ऑक्सीजन से ब्रीथ करते हैं वाटर में, जिसके बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक्वाटिक एनिमल डिजोल्व ऑक्सीजन को कैसे यूज करते हैं। लेकिन डिजोल्व ऑक्सीजन कैसे होती है इसके बारे में हमने इस एक्टिविटी से समझ लिया कि वाटर की जो ऑक्सीजन है वो कैसे डिजोल्व होती है, कैसे उसको यूज करते हैं। अब पानी के बाद बारी आती है मिट्टी की, कि सॉइल में रहने वाले एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं। जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं, जैसे कि आपने कभी गर्मियों के दिनों में या ठंड में पानी डाला होगा गमले में, तो क्या होता है जब हम पानी डालते हैं तो उसमें कुछ बबल उठते हैं। अपने घर में जो भी गमला रखा हो या कोई गार्डन हो वहाँ पानी डाल के देखिएगा, तो पानी डालने के दौरान कुछ बबल उठते हैं। ये जो बबल हैं ये एयर के कारण हैं, जिससे प्लांट की रूट और मिट्टी में रहने वाले जीव रेस्पायर करते हैं। यानी कि जो बबल उठते हैं वो इसलिए उठते हैं कि मिट्टी में जो है पोरस मिट्टी होती है, तो उसमें पानी अंदर जाता है। पानी मीन्स एयर के कारण ही, जहां जहां एयर होती है वहां वहां बबल उठते हैं, और वो एयर वही है जिससे सारे प्लांट और जमीन में रहने वाले, सॉइल में रहने वाले जीव रेस्पायर करते हैं। क्योंकि मिट्टी में रहने वाले जीव बरोज और होल में रहते हैं, छेद बना के रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, और इन होल और बरोज की जो मिट्टी है वो लूज होती है, लूज मतलब पोरस होती है, जिससे एयर इन और आउट हो सके। इसलिए मिट्टी लूज होती है ताकि एयर का आवागमन हो सके, इन आउट हो सके मिट्टी में। पर जब बारिश होती है तो ये जो पोरस सॉइल है, ये जो लूज मिट्टी है, इसमें पानी भर जाता है, तो सॉइल के एनिमल बाहर आ जाते हैं और ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि जब पानी भर जाएगा तो उनको ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो मिट्टी से निकल के बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि सॉइल एनिमल बारिश में ही दिखाई देते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है, स्नेक है, स्नेल है, लीच है, और भी बहुत सारे एनिमल है जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो सब बारिश के दौरान आपको बाहर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हमें सॉइल एंड एक्वाटिक एनिमल के बारे में जाना कि कैसे वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज करते हैं। बाकी एनिमल और ह्यूमंस कैसे या एक्वाटिक एनिमल कैसे यूज करते हैं, ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने सॉइल और एक्वाटिक एनिमल के बारे में जाना कि वो कैसे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए। पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, चाहे वो ह्यूमन है, एक्वाटिक एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड है, तो ये सब क्या है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, इनहेल करते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है जिसका हम इनटेक करते हैं, तो क्या ये खत्म हो जाती है या ये ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाती है? अगर ये ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाती है तो कौन है जो इसको रिफिल करता है या फिर रिप्लेस करता है? तो नाउ we will see how is the oxygen into atmosphere replaced or refill. कैसे atmosphere की जो oxygen है वो replace और refill होती है। हमने previous chapter में photosynthesis के बारे में पढ़ा था, और छोटी क्लास से हम photosynthesis के बारे में पढ़ते भी आ रहे हैं। photosynthesis मतलब जिसके द्वारा plant अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हम सबके living organisms की life plant के ऊपर depend है। तो ये जो plant photosynthesis करते हैं, इस process में oxygen produce होती है, पर प्लांट भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं उसको वो खुद भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक मात्रा में ये इसे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कोई फूड फैक्ट्री है और उसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो वर्कर जो फूड फैक्ट्री में काम करते हैं उसका खाना खाते भी हैं, और वो खाना जो है बाहर सेल भी होता है, लेकिन जो क्वांटिटी बनती है उस फूड फैक्ट्री में वो इतनी अधिक मात्रा में है कि जो वर्कर खाते हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस फैक्ट्री के ऊपर। तो इसी तरीके से प्लांट भी इतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं कि वो थोड़ी सी कंज्यूम करते हैं
और उसे कई गुना मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए बहुत अधिक मात्रा में इसे प्रोड्यूस करने के कारण ही प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है और इसी ऑक्सीजन को एनिमल और ह्यूमन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एटमॉस्फेयर में जो आती है इसको प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस प्रकार प्लांट और एनिमल जो है वो इंटरडिपेंडेंस है, मींस एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखते हैं। तो इस प्रकार एयर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एयर बहुत जरूरी है। इसके अलावा एयर का हमारे डेली लाइफ में और कमर्शियल पर्पज से भी बहुत सारे यूजेस हैं। मतलब सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनकी लाइफ जो है, जिनका कार्य जो है वो एयर के ऊपर डिपेंड है। डेली लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पतंग है, फिरकी है, बहुत सारे ऐसी चीजें जो हवा में ही उड़ती हैं, विंडमिल है जिसका यूज हम ट्यूबवेल से पानी निकालने और फ्लोर मिल को चलाने में करते हैं, वो भी विंडमिल जो है वो एयर से ही चलती है। विंडमिल का उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी करते हैं। हवा की हेल्प से ही एरोप्लेन, ग्लाइडर और याच चलते हैं और एयर के कारण ही उड़ने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट है, बर्ड है, बटरफ्लाई है, ग्रास हॉपर है, बैट है और सो मैनी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट और बर्ड्स हैं, उड़ने वाले एनिमल्स हैं कि जो हवा के कारण ही उड़ पाते हैं। ये संभव तभी हो पाता है जब हवा चलती है, तभी वो उड़ पाते हैं। तो एयर के कारण ही उनका उड़ना डिपेंड करता है और एयर के कारण ही प्लांट के जो सीड है और पॉलन ऑफ फ्लावर है वो डिस्पर्सल होते हैं बिकॉज ऑफ एयर, एयर के कारण ही वो फैलते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट का जो है विस्तार होता है, बहुत सारे जो वेजिटेशन होता है एटमॉस्फेयर में, नेचुरली वेजिटेशन जो होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरली जो जंगल उग जाते हैं वो एयर के कारण ही होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर 15 था एयर अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ एयर है और हमारा जीवन किस प्रकार एयर से जुड़ा हुआ है। एयर जिसको कि हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, फील करते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में, फील करते हैं जब कोई चीज उड़ती है हवा में या तेज हवा चलती है, पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं, तो उन सब में हम इसके मोशन को फील करते हैं। एयर के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि एयर स्थान घेरती है और एयर जो है वाटर और सॉइल में प्रेजेंट होती है। वाटर सॉइल के जो इंसेक्ट होते हैं वो कैसे वाटर और सॉइल में पाने जाए हमारे एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट एयर के कंपोजिशन के बारे में जाना इस चैप्टर में हमने, कि एयर जो है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, इन सबसे मिलके एक मिक्सचर ऑफ एयर तैयार होता है, यानी कि ये एयर के मेन कंपोनेंट है। और मेन कंपोनेंट में एयर के वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है जबकि नाइट्रोजन इसके अपोजिट है, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो जीवन पृथ्वी पर जीने के लिए जरूरी है वो एयर है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ वो एयर पे ही डिपेंड है, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल है, ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट्स है, सबकी लाइफ एयर के ऊपर ही डिपेंड है। और प्लांट और एनिमल मिलके एक दूसरे की जरूरतों को गैसियस एक्सचेंज द्वारा पूरा करते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट किया आज हमने, चैप्टर 15। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा और कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।